वेलकम बैक टू चैनल डब अनबॉक्सिंग। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉय गन, तो इसकी करने वाले हैं आज अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल डब अनबॉक्सिंग आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं स्टार्ट। और आप देख सकते हैं दोनों ओर से काफ़ी अच्छा टेपिंग मिलता है हमें लगा हुआ फ्लिपकार्ट की ओर से। तो चलिए ऊपर की ओर हमें बिल मिल जाएगा आपको लगा हुआ। तो चलिए हम इसे ऊपर की ओर से काट लेंगे। देख सकते हैं हम नाइफ की मदद से इसको काट लेंगे और देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हमें नाइफ मिलता है। नाइफ से अच्छी तरह हम इसे काट लेंगे। साइड में भी काफ़ी अच्छी सी टेपिंग लगी हुई है। चलिए इस एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और मिलता है और इस बॉक्स की लेंथ काफ़ी छोटी है और अंदर का बॉक्स में काफ़ी फिट ही आ रहा था आराम से। तो ये देखते हैं, आप देख सकते हैं इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस पर लिखी हुई स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है। एज 6+ बच्चों के लिए साइज काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं हॉट फायर की ब्रांडिंग में गन में मिलती है। और आप देख सकते हैं 4 बुलेट्स यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, और यहाँ से एक बुलेट में अच्छे से वर्क करके आप देख सकते हैं इसको आपको लोड करना होगा, पीछे की तरफ खींचना होगा। हम आपको आगे करके दिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ एयर न्यू स्ट्रोम मैनुअली शॉर्ट बुलेट गन, आप देख सकते हैं। और एक तरफ लिखा हुआ है टॉय गन लर्निंग फन टुगेदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हमें मिलते हैं इसमें 10 पीस, यानी बुलेट के 10 पीस मिल जाएंगे ऐसे। तो चलिए देखते हैं। और इधर की ओर भी आपको ये सब ब्रांडिंग मिलती है टॉय बॉय की, अरे न्यूक स्ट्रोम मैनुअल सॉफ्ट गन की। और इधर की आप तरफ देख सकते हैं ऐसे वर्क करेगी, 4 बुलेट्स आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। एक ऊपर की तरफ जो वर्क करेगा इस गन का, वर्क एक ही करता है, 4 वर्क नहीं करेंगे ना, आप बस आराम से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं प्लंकिंग लीवर जो पीछे इसमें मिलता है, इसे खींचना होगा पुल लीवर, जिसकी मदद से आप इसे चला पाएंगे। और काफ़ी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है बॉक्स पे, आप देख सकते हैं। जब एक कोड मिलता है, वार्निंग मिलती है, स्मॉल पार्ट्स न्यू सूटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर लिखा हुआ है। तो चलिए इसके करते हैं बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। तो टेपिंग काफ़ी अच्छी लगी हुई दोनों ओर, आप देख सकते हैं। तो चलिए नाइफ की मदद से हम इस टेपिंग को हटा लेंगे और नाइफ को रखते हैं साइड में। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, मैं निकाल लूँ। और हमें ऊपर बुलेट्स मिलते हैं, 10 बुलेट्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं लोग 10 बुलेट्स मिलते हैं आपको, देख सकते हैं। तो उनको भी रखते हैं साइड में और गन देखते हैं। गन का साइज काफ़ी अच्छा लगा हमें, आप देख सकते हैं। और इसको रखते हैं सामने। तो चलिए इसको फुल क्लीन से बाहर निकालते हैं काफ़ी अच्छी टेपिंग के साथ। अब इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर। और इस पोलोथीन को रखता हूँ मैं साइड में। और मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हैं। काफ़ी हार्ड, काफ़ी अच्छे मटेरियल से प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है इस गन में। हॉट फायर की ब्रांडिंग मिलती है, आप देख सकते हैं। और ये 5 सर्कल डिज़ाइन, वाइट 3 लाइंस इस पर मिलती हैं। ऑरेंज कलर का स्ट्रिगर, अगर साउंड भी सुन सकते हैं। इसको आपको खींचना होगा पीछे की तरफ, तो आप साउंड सुन सकते हैं। ये खुद ही वर्क करता है, पर वर्क आपकी एक ही बुलेट करेगी इसमें, आप देख सकते हैं। 4 बुलेट आपकी इसमें वर्क नहीं करती हैं, देख सकते हैं। अंदर भी और भी कुछ नहीं मिलता इसमें, हम बुलेट लगा के दिखाते हैं आपको। और आप भी देख सकते हैं ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, वाइट, कई कलर हम इस गन में देखने को मिलते हैं। और काफ़ी अच्छी साइज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, आप देख सकते हैं। और ये बुलेट आप देख सकते हैं। तो चलिए बुलेट को निकाल के दिखाते हैं आपको बाहर। बाहर निकाल लेता हूँ और आपको इसमें एडजस्ट करके दिखाता हूँ आराम से। हम यहाँ से अच्छे से आराम से इसमें एडजस्ट करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं, जिससे गन में कुछ खराबी ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ अच्छे से हम एडजस्ट कर लेते हैं इन्हें।
अंदर की और ज़्यादा दवाएं नहीं, ये आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। 4 प्लट्स यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और एक लटिया से एडजस्ट नहीं होगा, ऐसे गिर जाएगा। आपको इसे लगाने के लिए इसे खींचना होगा पीछे की ओर और इसे आगे की ओर आप लगा सकते हैं। और आपको मैं वर्क करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, अब बॉक्स पे देखते होंगे, देख सकते हैं आप ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इतने आप इसे उठाने के लिए नहीं, कष्ट ना करें। अब यहाँ से आसानी के लिए उन्होंने 4 सर्किल यहाँ बुलेट्स लगाने के लिए दिए थे, यहाँ से निकाल कर आराम से आप इसे ऊपर लगा सकते हैं। देख सकते हैं, मैं सामने रख के बॉक्स पे दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट। और बॉक्स पे आपको देख सकते हैं चिपक गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गम मिलती है, हम देख सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट करके दिखा, अब एक और हम टेस्ट करेंगे तो देखते हैं आपको इसकी टेस्टिंग कर। मुझे गन काफ़ी अच्छी लगी और क्वालिटी साउंड में, आप देख सकते हैं। मैं चलिए टेस्ट करता हूँ, ये नहीं चिपका, यह काफ़ी तेज लगा, आप देख सकते हैं। वो बुलेट की क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, आप देख सकते हैं इतने सारे बुलेट्स हमें मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छी मुलायम रबड़ के साथ मिलते हैं हमें, तो देख सकते हैं आप। और ये गन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको, काफ़ी फास्ट काफ़ी हाई तरह से वर्क करती है, वो काफ़ी दूर आपके बुलेट की रेंज मिलते हैं हमें इसके में देखने को। देखिए आपने, मुझे काफ़ी अच्छी लगेगा, देख सकते हैं।